एक्सरसाइज 2.2 में बच्चों ये रहेगा आपके पास कि अगर किसी एक पॉइंट पे आपकी फंक्शन की इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो, या तो लोअर लिमिट पे या अपर लिमिट पे या बीच वाले किसी पॉइंट पे, तो उसमें हम कंपैरिजन टेस्ट का यूज करके अब ये निकाल सकते हैं कि जो हमारा इंटीग्रल है इम्प्रॉपर इंटीग्रल वो कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, मतलब हमें पूरा इंटीग्रेशन सोल्व नहीं करना इस बार, एक्सरसाइज 2.2 में हमें पूरा इंटीग्रेशन सोल्व करके नहीं दिखाना, सिर्फ ये पूछा जाएगा आपसे कि जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो आपका कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। ठीक है, और कन्वर्जेंट है तो कहाँ पर है, ये चीज़ पूछी जाएगी बस। अगर आपसे सिर्फ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पूछा जा रहा है तो आपको पूरा इंटीग्रेशन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी जाए तो एक्सरसाइज 2.1 कर चुके हम, 2.1 में यही था कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपका फर्स्ट काइंड का है तो भी हमें पता है कैसे सोल्व करना है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड है तो भी पता है कैसे सोल्व करना है। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ आपसे पूछा जाए कि आपका जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है, तो उस केस में कुछ टेस्ट लगेंगे बच्चों, कंपैरिजन टेस्ट। हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में भी किए थे ना, देखो कंपैरिजन टेस्ट वन, ये सब बच्चों को याद होने चाहिए। कंपैरिजन टेस्ट जो भी मैं करवाऊंगी अभी, स्टेटमेंट है बच्चों, इफ एफ एंड जी आर टू पॉजिटिव फंक्शन सच दैट एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स इन इंटरवल ए टू बी। देखो ये दिया हुआ है, इफ एफ एंड जी आर टू पॉजिटिव फंक्शन सच दैट एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स इन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ये लिखो ए टू बी। अब ए की साइड से ओपन इंटरवल लिया है मैंने, क्योंकि ए वो पॉइंट होगा यहाँ पर जिस पे हमारा जो फंक्शन है ना एफ एक्स उसकी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पर ए पॉइंट वो रहेगा जिस पे हमारे फंक्शन की इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही होगी, तो इसलिए हमने ये जो कंडीशन चेक करनी है कि देखो फर्स्ट तो हमें ये चेक करना है कि जो आपका एफ एक्स है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए इस इंटरवल में। सेकेंड ये है कि जी एक्स जो होगा वो भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए इसी इंटरवल में। और थर्ड कंडीशन ये है कि एफ एक्स लेस देन इक्वल टू होना चाहिए जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यही इंटरवल। ठीक है, यहाँ पर एक चीज है, ए इज द ओनली इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी। जो ए पॉइंट है ना एंड ए इज द ओनली पॉइंट Then, अब यहां से दो केस है बच्चों। फर्स्ट है अगर आपका ये जो इंटीग्रल यहां से निकालोगे इंटीग्रेशन ए टू बी जी डी एक्स अगर वो आपका कन्वर्ज करेगा तो ये भी कन्वर्ज कर जाएगा। फर्स्ट है इंटीग्रेशन ए टू बी जी डी एक्स अगर ये कन्वर्ज करेगा ना, दिस इंप्लाइज ये वाला भी आपका कन्वर्ज कर जाएगा। सेकेंड है बच्चों, अगर ये जो इंटीग्रल आएगा ए टू बी एफ डी एक्स ये अगर डाइवर्जेंट होगा तो उस केस में ये इंटीग्रल भी आपका डाइवर्जेंट आ जाएगा ए टू बी जी डी एक्स इज डाइवर्जेंट। ये आपका कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट। ठीक है, क्या कहा गया है, फर्स्ट कंडीशन आपको चेक करनी है कि जो आपका एफ ऑफ एक्स आई और जी ऑफ एक्स आई वो दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी इंटरवल। ठीक है, दूसरा एफ एक्स लेस देन इक्वल टू होना चाहिए जी एक्स से वो भी इसी वाले इंटरवल में। यहाँ पर ए इंक्लूड नहीं है बच्चों, ए को इंक्लूड इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि ए अकेला पॉइंट है फंक्शन की जहाँ पर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है। ठीक है, तो उस केस में अगर ये सारी कंडीशंस हैं आपके पास तो
तो अगर आप चेक कर पा रहे हो कि GDX जो इंटरवल है वो कन्वर्ज कर रहे हैं, तो फिर ये कन्वर्जेंट होगा, तो ये सारी कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही है तो यहाँ से जो इंटीग्रल आएगा वो भी आपका कन्वर्जेंट होगा। और अगर आप ये चेक कर पा रहे हो कि ये वाला डाइवर्जेंट है, तो फिर ये इंटीग्रल जो आएगा ये भी डाइवर्जेंट होगा। ये बच्चों कुछ कुछ वैसा ही रिजल्ट है जो सिक्वेंस एंड सीरीज में था आपका। सिक्वेंस एंड सीरीज में भी हमने पढ़े थे कंपेरिजन टेस्ट, है ना, वहां पर इंटीग्रल नहीं था, बस वहां पर इंटीग्रल नहीं आता था, वहां पर सीरीज आ जाती थी, वहां पर सीरीज आ जाती थी, यहां पर कि सीरीज जो भी आपका ए एन और बी एन होगा वो उस हिसाब से था, है ना। ये है कंपेरिजन टेस्ट फर्स्ट। हो गई स्टेटमेंट याद सबको, मतलब यहां से अगर ये कंडीशन हो रही है सेटिस्फाई, तो ये इंटीग्रल अगर कन्वर्ज करेगा तो ये भी कन्वर्ज करेगा, अगर ये इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा तो ये भी डाइवर्ज करेगा, ठीक है। उसके बाद है जो क्वेश्चंस में यूज होगा ना, वो है आपका कंपैरिजन टेस्ट सेकंड, मोस्ट इंपोर्टेंट। यहां से फिर हमें निकालना पड़ेगा बच्चों लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स बाय जी एक्स। अगर ये आ गया आपका नॉन जीरो और कोई फाइनाइट नंबर, अगर ये आपका कोई नॉन जीरो l लिख देती हूँ, l लिखा हुआ है l, और फिर इसके बारे में बाद में बता दिया कि ये नॉन जीरो होना चाहिए और नो मतलब फाइनाइट नंबर होना चाहिए कोई नॉन इनफिनिट, ठीक है, या तो ये फाइनाइट नंबर होना चाहिए या फिर नॉन जीरो कोई भी फाइनाइट नंबर आ सकता है। तो उस केस में ये वाली थ्योरम, उसमें फिर हम क्या बता देंगे कि जो हमारा एफ डी एक्स ये इंटीग्रल आएगा ए टू बी, एंड जो ये इंटीग्रल होगा जी डी एक्स ए टू बी, कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर आ जाएगा। ये भी वैसी ही थ्योरम है, अगर तुम्हें ध्यान दो सिक्वेंस एंड सीरीज वाली, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे मैंने वहां पे। क्या है इसमें भी देखो, ये कंडीशन तो वही है कि दोनों पॉजिटिव फंक्शन होने चाहिए आपके, ये भी वही है कि ए अकेला वही पॉइंट है जहां पर फंक्शन की आपकी क्या है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। ये कंडीशंस तो कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट में भी यही थी, यहां पर भी वही है। एक चीज और देख रहे हैं यहाँ पे हम कि जो जी एक्स फंक्शन आप लोगे ना बच्चों पॉजिटिव तो लोगे, साथ में इस तरह से आपको लेने चलना है कि जब आप लिमिट लगाओ ना जिस पॉइंट पे आपकी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, तो x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स बाई जी एक्स वो क्या आना चाहिए आपका नॉन जीरो और फाइनाइट नंबर। अगर ऐसा आ रहा है तो फिर इंटीग्रल जो ये आएगा एफ डी एक्स और इंटीग्रल जी डी एक्स ये कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर करेंगे। तो आप जी एक्स अगर इस तरह से लोगे बच्चों जो आप इजीली देख पाओ कि वो आपका कन्वर्ज कर रहा है या फिर डाइवर्ज कर रहा है ना, तो फिर उस केस में हम जी एक्स तो हमारी मर्जी रहेगी ना, हम क्या लेंगे, बस इतना ध्यान रखना है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे और जी एक्स आपका पॉजिटिव भी हो। तो अगर आप जी एक्स को चेक कर पाए
ये कि जो इंटीग्रल आपका आएगा a टू b g dx अगर वो कन्वर्जेंट होगा तो वहां से बोल दोगे बाय कंपैरिजन टेस्ट सेकंड ये इंटीग्रल भी आपका क्या है कन्वर्जेंट, और अगर ये इंटीग्रल आपका डाइवर्जेंट आ गया तो फिर आप कंपैरिजन टेस्ट सेकंड से बोल दोगे कि ये इंटीग्रल भी आपका कैसा रहेगा डाइवर्जेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या कंडीशंस हैं, दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए, दोनों फंक्शंस है ना, और जो a है उस पे इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी है फंक्शन की। फिर आपको जी एक्स इस तरह से लेके चलना है कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स बाई जी एक्स आप निकालो तो वो आपका नॉन जीरो और फाइनाइट नंबर आ जाए, तो उस केस में फिर जो ये दोनों इंटीग्रल है ना ये कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर करें, अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा, ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट। ठीक है, ये आपका कंपेरिजन टेस्ट सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या था कि नॉन जीरो और फाइनाइट होना चाहिए नंबर। फिर सेकंड में क्या है बच्चों कि यही कंडीशंस है, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, जी एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और ए अकेला पॉइंट है जिसपे फंक्शन की इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी है, तो ये लिमिट आपने निकाल ली तो दो केस और बच गए ना, हो सकता है ये लिमिट का आंसर जीरो आ जाए या फिर हो सकता है इस लिमिट का आंसर इनफाइनाइट आ जाए, है ना। यहां पर तो हमने वो केस लिया है ना कि आपका नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आना चाहिए, अगर आपका जीरो आ गया तो फिर क्या होगा वो इसके सेकंड पार्ट में दिया गया है कि अगर जीरो आ जाए तो क्या आएगा और अगर ये वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए तो क्या आएगा। यहां तक अब भी सेम है, यहां तक सेम रहेगा इसका जो सेकंड पार्ट है वो। आपकी बार बच्चों दो केस आएंगे अलग अलग, इसका जो फर्स्ट पार्ट आएगा उसमें अगर ये वैल्यू आ जाए जीरो, अगर ये वैल्यू आ गई जीरो देन जी एक्स पे डिपेंड करेगा बच्चों, जो ये जी डी एक्स जो जी डी एक्स इंटीग्रल रहेगा उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और अगर ये जीरो आई है लिमिट तो याद करने का तरीका ये हो सकता है कि जीरो लिमिट आई है तो मतलब कन्वर्जेंट होगा, तो डिपेंड इस पे करेगा, अगर ये वाला इंटीग्रल आपका कन्वर्जेंट होगा तो ये भी इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, याद करने का तरीका ये रहेगा, अगर इस लिमिट का आंसर आया जीरो, जीरो आया तो मतलब कन्वर्जेंट होगा, अब कन्वर्जेंट होगा तो डिपेंड इस पे करेगा, इस केस में अगर जी डी एक्स जो इंटरवल है आपका यहां से आ जाएगा एन जी डी एक्स ए टू बी, अगर ये कन्वर्जेंट है देन आपका जो एफ डी एक्स ये इंटीग्रल है ये भी कन्वर्ज कर देगा ये। ठीक है, तो इसका फर्स्ट केस हो गया जब ये लिमिट का आंसर जीरो आ जाए, इसी का फिर सेकंड पार्ट ये भी हो सकता है इस लिमिट का आंसर आपके पास इनफाइनाइट नंबर आ जाए, है ना, इन्फिनिटी आ जाए, तो तब क्या होगा इन्फिनिटी आते ही हमें ये पता चल जाएगा कि डाइवर्जेंट आएगा। याद करने का तरीका जी डी एक्स अगर आपका इंटीग्रल जो है वो डाइवर्जेंट है तो जो एफ डी एक्स इंटीग्रल है वो भी डाइवर्जेंट हो जाएगा, ये इसका सेकेंड पार्ट है। तो यहां से सेकेंड पार्ट में मैं लिख देती हूँ, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स बाई जी एक्स इज इक्वल टू इंफिनिटी एंड जो ये आपका इंटीग्रल है ए टू बी जी डी एक्स डाइवर्जेंस, ये दो चीज है आपके पास कि इस लिमिट का आंसर इनफाइनाइट आ रहा है और जो ये इंटीग्रल है इंटीग्रल जी डी एक्स वो आपका डाइवर्जेंट है, तो उस केस में जो इंटीग्रल आएगा एफ डी एक्स वो भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो यहां से इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स वो भी बच्चों डाइवर्जेंट, ये है कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट पता चल गया सबको, कंपैरिजन टेस्ट सेकंड में क्या है, जो कंपैरिजन टेस्ट सेकंड है ना बच्चों वही यूज होगा आपका क्वेश्चन से। ठीक है, तीन केस है, एक तो जब ये लिमिट आपने निकाल ली इस लिमिट का आंसर आपका नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ जाए, अगर नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आया तो उस केस में जो इंटीग्रल होगा एफ डी एक्स और इंटीग्रल होगा जी डी एक्स वो दोनों कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। ठीक है, फिर एक केस है कि अगर इस लिमिट का आंसर आ जाए जीरो, जीरो आया और साथ में ये चीज हो कि जो ये इंटीग्रल है ना जी डी एक्स ये है कन्वर्जेंट,
तो जो एफ डी एक्स इंटीग्रल आएगा वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। इसी का थर्ड केस है कि अगर इस लिमिट का आंसर आपने निकाला और कोई इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी आ गया तो साथ में एक चीज और हो आपके पास कि जो इंटीग्रल है जी डी एक्स वो डाइवर्जेंट है, तो उस केस में आपका जो इंटीग्रल है एफ डी एक्स वो भी डाइवर्जेंट है। क्लियर, याद हो गए सबको? ज्यादा हो रहा है तो ये भी आपको एज ए रिजल्ट याद रखना, इसका प्रूफ भी मैं करवा दूंगी आपको, फिलहाल एज ए रिजल्ट याद रखना। फर्स्ट है थ्योरम का द इंप्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसे है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल वो होता है या तो आपकी लोअर लिमिट या अपर लिमिट या फिर दोनों ही लिमिट इनफाइनाइट हो या फिर फंक्शन आपका अनबाउंडेड हो जाए ए टू बी क्लोज इंटरवल पे। तो यहाँ पर लिमिट तो ए टू बी दिख रही है मुझे, लेकिन जब आप ए पुट करोगे यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में जीरो बनेगा, मतलब फंक्शन आपका अनबाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल तो है। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल ये वाला, अगर इस टाइप का इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपको गिवन हो तो ये कन्वर्जेंट होता है इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है। अगर ये जो पावर दिख रही है ना आपको एन, वो लेस देन वन आपको, जैसे यहां पर यही इंटीग्रल लिखा हुआ है और एन की बजाय मैं वन बाई टू पावर कर दूं, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। बाई कंपेरिजन इंटीग्रल ये आपका जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, इसको एज ए रिजल्ट हम यूज करेंगे, ये इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ एन इज लेस देन। हो गए आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? देखो एक पॉइंट है जहां पर फंक्शन की इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, एक पॉइंट वो है जहां पर फंक्शन की आपकी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, तो हमें क्या करना है डिनोमिनेटर में x माइनस ए और उसकी पावर n, और n आपका लेस देन वन होना चाहिए, तो ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। और अगर ये कन्वर्जेंट है तो पक्का है कि n आपका लेस देन वन ही रहेगा। उसके बाद इसी का सेकेंड पार्ट है बच्चों, यहां पर तो हमने वो केस डिस्कस किया है जब आपका a पॉइंट है जहां पर फंक्शन की इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। अब की बार हो सकता है b पॉइंट वो जहां पर फंक्शन की इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो, तो उस केस में सेकेंड रीजन दे रखा है कि जो इंटीग्रल है ना a टू b dx by b minus x raised to power n is convergent if and only if n is less than। ये है बच्चों, ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसे है? जब यहां पर b पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा और वन बाई जीरो इंफिनिटी, मतलब फंक्शन हमारा हो गया अनबाउंडेड एट पॉइंट b। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल तो हो गया। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल इस टाइप का अगर है आपके पास तो ये कन्वर्जेंट होता है इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है एन लेस देन वन। अगर ये जो पावर दिख रही है वो लेस देन वन हो तो ये इंटीग्रल आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा, और अगर ये कन्वर्जेंट दे रखा है तो इसका मतलब एन लेस देन वन ही है। ठीक है, हो गए रिजल्ट याद। अब किस दिन करवाते हो इंटरव्यू?